बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री पर राज करते हुए हमेशा से अपने फिल्मी करियर को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन सलमान जो कि करोड़ों के इंस्पिरेशन हैं, वो एक नजर में इंस्पिरेशन अक्षय कुमार के भी हैं और इस बात को साबित किया है अक्षय ने हाल ही में। दरअसल फिल्म सिम्बा के सक्सेस के बाद रोहित शेट्टी एक नई फिल्म लाने का फैसला कर चुके हैं। वेल सिम्बा के आखिरी में अगर आपने गौर ना किया तो आपको बता दें स्क्रीन पर दिखाया गया था सूर्यवंशी इज कमिंग इन 2019, मतलब ये फिल्म का नाम है जिस बारे में डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने फैंस को सरप्राइज देना चाहा है। अब इस फिल्म में नजर आएंगे अक्षय कुमार। ये भी खबर आ चुकी है कि अक्षय कुमार सूर्यवंशी के लीड एक्टर होंगे। ऐसे में गौर फरमाइए जरा हमारी इस खास रिपोर्ट पर, हम बात कर रहे हैं उस सूर्यवंशी की जिस फिल्म में सलमान खान के साथ अमृता सिंह भी नजर आई थी। जी हां, सूर्यवंशी फिल्म में पहले सलमान खान काम कर चुके हैं और इस फिल्म में सलमान खान को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया था। हालांकि सूर्यवंशी फिल्म काफी ज्यादा बड़े लेवल पर बॉलीवुड में कमर्शियल एंगल पर धमाल न कर पाई हो, लेकिन सूर्यवंशी फिल्म का टाइटल एक बार फिर से चर्चा में है। मतलब सलमान खान से भिड़ रहे हैं अब अक्षय सूर्यवंशी फिल्म के मामले में, जो एक नए सूर्यवंशी के रूप में दिखाई देंगे। तो वहीं आपको बताते चले ये भी खबर है कि फिल्म में उनके अपोजिट जो एक्ट्रेस नजर आएंगी वो पूजा हेगड़े हैं, जो कि सलमान खान को आई लव यू कह चुकी हैं। एक इंटरव्यू में सलमान से प्यार का इजहार करना चाहिए है, जिन्होंने सलमान को काफी पसंद किया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।